हेलो एंड वेलकम बैक टू आईफिनिटी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट माय लास्ट ट्रिप। तो रिसेंटली मुझे कुछ काम से वापस बैक टू दिल्ली जाना पड़ा था। जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन स्टार्टेड मैं तब से अपने होम टाउन में रह रहा हूँ। एंड उसके बाद आफ्टर कंप्लीट वन ईयर आई वेंट बैक टू दिल्ली और वहाँ पे मेरी गाड़ी पड़ी हुई थी विच इज़ फोर्ड फीगो और उसमें इंस्टॉल्ड है एक आफ्टर मार्केट CNG। सो मैंने सोचा कुछ स्टफ्स लेकर आने हैं वापस, सो वाई नॉट जस्ट ड्राइव और एक रोड जर्नी भी हो जाएगी। तो मैं अभी दिल्ली से आया पटना ऑन माई फोर्ड फीगो CNG एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि कैसी रही मेरी जर्नी, क्या मुझे पूरे रास्ते में CNG मिली एंड अगर मिली तो कितने की पड़ी, कितने की CNG लगी एंड कितना टोल टैक्स लगा, ओवरऑल मेरा टोटल एक्सपेंस कितना रहा इस पूरे ट्रिप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो अपने डिटेल्स के साथ। सो मेरी जर्नी थी एग्जैक्टली नोएडा से पटना के लिए और वहाँ से निकलने के पहले ही मेरे अपने लिए एक गूगल मैप पे रफ आइडिया बना लिया था कि कहाँ कहाँ मुझे CNG पंप मिलेगा, कहाँ कहाँ मुझे रुकना है। और क्योंकि ये अप्रॉक्स 1100 किलोमीटर्स की जर्नी थी मैंने सोचा कि बीच में एक हॉल्ट लेना सही रहेगा। सो पहले दिन मैंने कवर किया दिल्ली से लखनऊ एंड सेकेंड डे फिर मैं निकला लखनऊ से वापस पटना। तो फर्स्ट डे की जो जर्नी थी दिल्ली से लखनऊ की उसमें मुझे टोटल लगे अराउंड 7 आवर्स क्योंकि मैं निकला था नोएडा से सुबह 7 बजे एंड दोपहर में 1 बजे के अराउंड मैं लखनऊ में एंटर कर चुका था। तो अब आप स्क्रीन के साइड पर देखेंगे वो मैप जो मैंने एक पहले से प्री डिफाइन कर रखा था एंड वो मैप ये है। सो ये है वो मैप जिसमें आप स्टार्ट देखेंगे नोएडा, पहला स्टॉप है हमारा सावरिया गैस स्टेशन, दूसरा स्टॉप है CNG पेट्रोल पंप नियर लखनऊ हाईवे एंड थर्ड इज CNG पंप ऑन अननेम्ड रोड विच इज़ इन लखनऊ इटसेल्फ। सो लेट्स लुक एट दिस। सो फर्स्ट जो हमारा रास्ता है नोएडा से सावरिया गैस स्टेशन का, ये हमारा टोटल बन रहा है 127 किलोमीटर्स। सो आप आराम से नोएडा में गैस रिफिल करके निकलिए, सावरिया गैस स्टेशन तक पहुँचिए एंड वहाँ पे आप अपना फर्स्ट रिफिल करा सकते हैं। CNG की रेट अप्रॉक्स 65 रुपीज़ पर kg थी अभी ऑल अक्रॉस द UP। नाउ सेकेंड स्टॉप, सो आफ्टर सावरिया वी विल मूव टू द सेकेंड CNG पंप स्टेशन विच इज़ ऑन द लखनऊ एक्सप्रेसवे। नाउ माइंड इट, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आगरा से लखनऊ वाले साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक भी पंप नहीं मिलेगा। ये इकलौता पंप है जो कि राइट हैंड साइड है और इसके लिए आपको एक्सप्रेसवे से बीच में एग्जिट लेना पड़ेगा एंड फिर घूम के वहाँ आना पड़ेगा। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं ये पहले आगे जाओगे, आप आगे से यू टर्न लेकर आओगे एंड देन फिर अगेन ये रास्ता पूरा ऐसा यू टर्न लेकर वापस उस हाईवे पर चढ़ोगे। नाउ ओवरऑल जो डिस्टेंस का डिफरेंस पड़ता है इसमें वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 9 से 15 किलोमीटर, आई थिंक 10 से 15 किलोमीटर के बीच में पड़ता है डिफरेंस। बट अगेन इट सेव्स अ लॉट्स ऑफ कॉस्ट इन द फ्यूल प्राइसेस क्योंकि अगर आप इतने बाकी की जर्नी पेट्रोल पे करोगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी मच मोर एक्सपेंसिव दैन CNG। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए दो चीज़ें, एक तो आपको उल्टा घूमना पड़ रहा है, दूसरा क्योंकि आप एक्सप्रेसवे से एग्जिट ले रहे हो और फिर से वापस एंट्री ले रहे हो आपको अराउंड 200 रुपये का एक्स्ट्रा टोल टैक्स भी लग रहा है, राइट। बट अगेन ओवरऑल जब आप जोड़ते हो तो ये फिर भी पेट्रोल के मुकाबले आपका काफ़ी फ्यूल एफिशियंट रहेगा, कॉस्ट एफिशियंट रहेगा। नाउ यहाँ रिफिल करने के बाद सेकेंड पॉइंट से आपकी जर्नी के लिए बचती है अराउंड 210 किलोमीटर्स। बट अगेन मुझे इस बीच में कहीं भी अपना CNG रिफिल नहीं कराना पड़ा, मेरी गाड़ी ने 200 प्लस का रेंज दे दिया CNG पे क्योंकि अब ऑफ
कोर्स लखनऊ एक्सप्रेस वे है, नो ट्रैफिक है, आप कॉन्स्टेंट स्पीड पर चलते रहते हो, 90-100 के बीच में 100 की स्पीड लिमिट है, सो आपका एवरेज अच्छा गाड़ी का निकलता है। यहाँ पे मेरी गाड़ी का अराउंड 30 का एवरेज निकल गया था, सो मैं आराम से यह डिस्टेंस कवर कर पाया एंड लखनऊ पहुँच के फिर मैंने अपना गैस रिफिल कराया और अपने होटल स्टे पे आराम किया। चलते हैं अब डे टू की ओर। सो ये है हमारा डे टू का मैप। डे वन पे आप आराम से दोपहर के 2 बजे पहुँचोगे, होटल में आराम करोगे, शाम को थोड़े लखनऊ में घूमोगे, वहाँ के कबाब और बिरयानी खाओगे और फिर नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग आप निकल जाओगे। सो डे टू पे मैं निकला था वहाँ से सुबह के 5 बजे के अराउंड एंड मैं पटना पहुँच गया अराउंड 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक मैं घर पे था, तो इस बीच में मैंने उस दिन कोई भी खास ब्रेक नहीं लिया था। मैंने कुछ खाने के लिए रात में ही रख लिया था, ड्राई आइटम्स जैसे ब्रिटानिया के फ्रूट केक्स एंड कुछ चिप्स एंड ऑल। सो रास्ते में जहाँ भी हम फ्यूल के लिए रुके वहीं पर हमने थोड़ा मोड़ा खाया एंड निकलते चले गए। सो डे टू पर जो पहला हम निकलते हैं लखनऊ से, उसके बाद फर्स्ट स्टॉप जो हमारा रहेगा वो है HP पेट्रोल एंड CNG पंप। ये आपको अप्रॉक्स 160 किलोमीटर्स के बाद मिलेगा रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे ही, तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, आराम से CNG रिफ़िल कराइए, कोई भी भीड़ नहीं होती, आराम से गाड़ी लगाइए, पहले नंबर पे आपकी गाड़ी में CNG भर जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली यूपी में अभी जब इन एरियाज़ में पहुँच जाते हो तो मैक्सिमम लोग पेट्रोल और डीजल पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, CNG पर नहीं। सो यहाँ से जब हमने रिफ़िल करा लिया, इसके बाद हम निकले अपने सेकंड स्टॉप की ओर। सेकंड स्टॉप है हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड CNG, विच इज़ अराउंड 157 किलोमीटर्स अगेन। सो आप फिर से ये डिस्टेंस आराम से पूरी कर सकते हो, गोरखपुर के बाद ये जगह आता है, तो आराम से आप पार करो, यहाँ पे फिर से CNG रिफ़िल कराओ एंड फिर इसके बाद आप वहाँ से निकल जाओ एंड वहाँ से फिर पटना का जो डिस्टेंस टोटल बचता है विच इज़ अराउंड 225 किलोमीटर्स, सो डूएबल। नाउ इस रास्ते में इस मैप पे तो कोई और पंप मुझे नहीं दिखा था, बट यहाँ कुशीनगर के पास मुझे एक और CNG पंप मिल गया था, तो मैंने वहाँ पे कुशीनगर के पास भी CNG थोड़ा सा रिफ़िल करा लिया था, क्योंकि मेरी गाड़ी अराउंड 30-40 किलोमीटर्स चल गई थी। मैंने सोचा लास्ट एक और मिल रहा है, करा लेते हैं क्या जाता है। वो कराने के कारण मेरी गाड़ी पूरी CNG पे पटना तक पहुँच गई। तो इस तरह से मैंने अपना जो पूरा जर्नी था दिल्ली टू पटना वो CNG पे कवर कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू कॉस्ट्स। सो टोटल कॉस्ट जो मेरी CNG का लगा वो अराउंड 2000 रुपीज़ का लगा फ्रॉम नोएडा टू पटना, बिकॉज यूपी में CNG बहुत महंगा है, वो 65 के अराउंड, 64-65, दिस इज़ हाउ दे वेरी। सो या 2000 के अराउंड का मेरा CNG कॉस्ट लगा, बट जो बात दिल पे चुभती है वो है टोल टैक्स। तो सबसे महंगा टोल है नोएडा से लखनऊ तक का, अगर आप ऑब्वियसली एक्सप्रेस वे के थ्रू जाते हैं तो। मैंने एक्सप्रेस वे चुना क्योंकि मुझे ईज़ और कम्फर्ट चाहिए था। तो दिल्ली से नोएडा से अराउंड लखनऊ पहुँचने में मेरा 1250 रुपये का टोल लग गया एंड फिर वहाँ से पटना का अराउंड 500-550 और लग गया। तो इस तरह 1700-1800 रुपये मेरे टोल में गए, 2000 रुपये मेरे CNG के कॉस्ट में गए। सो दैट्स ऑल। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, और अगर आप भाई ये जर्नी करना चाहते हो फील फ्री, आपको पूरे रास्ते में पंप्स मिल जाएंगे। एक और अच्छी चीज़ जो है वो है कि नोएडा से लेके यहाँ तक का पूरा रास्ता अच्छे से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये है कि पटना पर के 100 किलोमीटर पहले से आपको थोड़ा वन लेन वाला, डबल लेन वाले रोड मिलेंगे, 4 लेन रोड्स नहीं मिलेंगे। सो थोड़ी ट्रैफिक और थोड़ी कंजेशन हो सकती है एंड ऑब्वियसली बीच बीच में कुछ गांव से भी रास्ते निकलते हैं तो हमें थोड़ा ट्रैफिक का मुकाबला करना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। बट अगेन उस 100 किलोमीटर के अलावा पूरे 1000 किलोमीटर आप आराम से गाड़ी चलाओगे, पर स्टार्टिंग में तो लखनऊ तक तो भाई कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तक तो खैर रास्ते पे आप आराम से चलते ही रहोगे और बाहर बादल गरज रहे हैं बारिश का मौसम में। सो सोचा आज घर बैठे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इन केस आपको और कुछ अपडेट्स चाहिए, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ आप जानना चाहते हो इसके रिलेटेड, तो फील फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो। आगे के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक दिस वीडियो। तो फिर मिलते रहेंगे हम, ट्राई करूँगा मैं पटना में कहीं घूमूँ तो उसकी भी वीडियो आपके लिए लाने की और आपको और भी अपडेट्स देने की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।